नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को राज्य के 16 और आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के आदेश दिए। विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज लगातार दूसरे दिन भी कार्यवाही बाधित रही। राबड़ी देवी के विरोध के बाद विधान परिषद में हंगामा करे राजद के 5 सदस्यों का निलंबन समाप्त। भोजपुर जिले की सिविल अदालत ने बिहिया में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 20 लोगों को दोषी करार दिया। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार ने सिक्किम के खिलाफ पहली पारी में 288 रन बनाए। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को प्रदेश के 16 और आश्रय गृहों में बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की पहले से जांच कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला भी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जांच एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सीबीआई को जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने को कहा। इधर सीबीआई ने न्यायालय के समक्ष कहा कि 7 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड की चार्जशीट अदालत में दायर कर दी जाएगी। गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा कराए गए सर्वे में आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का खुलासा हुआ था। विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज लगातार दूसरे दिन भी कार्यवाही बाधित रही। हंगामे और शोरगुल के कारण प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य नहीं हो पाए। विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले मात्र 3 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो राजद के सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गए, जिसके बाद सभाध्यक्ष ने कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के सदस्यों के आचरण पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए हंगामा कर रहा है। हंगामे के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात सुनी नहीं जा सकी। विधान परिषद में भी इस मुद्दे को लेकर राजद के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण आज सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। मुख्य विपक्षी दल राजद के सदस्य केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। दोबारा जब दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो राजद सदस्य एक बार फिर सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बार बार अनुरोध के बावजूद स्थिति शांत नहीं होते देख कार्यकारी सभापति हारून रशीद ने राजद के 5 सदस्यों को 2 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित कर दिया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्र सदन के बीच में आकर बैठ गए। काफी देर तक कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के सदस्य दोनों से धरना समाप्त करने का अनुरोध करते रहे। बाद में राजद के 5 सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की कार्यकारी सभापति की घोषणा के बाद ये धरना समाप्त हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। श्री मोदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकारी आवास खाली करने से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। श्री राय ने समस्तीपुर जिले के महिसारी में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त देश बना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में देश विकसित और खुशहाल राष्ट्र बना है। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत प्राप्त करेगा। भोजपुर सिविल अदालत ने एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 20 लोगों को दोषी करार किया है। अपर जिला न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि बिहिया में 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर एक छात्र का शव मिलने के बाद सैकड़ों लोगों ने एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ ही उसके घर में आग लगा दी थी। पुलिस ने घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाचार अभी और भी छोटे से अंतराल के बाद।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बक्सर और बनारस के बीच नई मेमू सवारी गाड़ी का शुभारंभ किया। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से बक्सर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बनारस आने जाने में काफी सुविधा होगी। इस अवसर पर मनिहारी से जयनगर के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस के समस्तीपुर जिले के सिंघिया घाट स्टेशन पर ठहराव की भी शुरूआत की गयी। ये ट्रेन अप और डाउन दोनों रास्तों में सिंघिया घाट स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ठहरेगी। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान को दल से संबंधित सभी फैसलों के लिए अधिकृत किया है। श्री पासवान ने आज पटना में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी महत्वपूर्ण फैसले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष करेंगे। श्री पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे पर फैसले के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 2 लाख से अधिक किफायती आवास बनाने की मंजूरी दी है। बिहार में इस योजना के तहत 26,000 मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पहले से स्वीकृत आवासों सहित 65 लाख से अधिक मकान बनाए जाएंगे। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 40वीं बैठक में इन नई आवासीय इकाइयों के निर्माण की मंजूरी दी गई। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 20 साल बाद आज रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई। मेजबान बिहार और सिक्किम के बीच आज से मैच शुरू हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की पूरी टीम 91 ओवर में 288 रन बनाकर आउट हो गई। आशुतोष अमन ने बिहार की ओर से 89 जबकि विवेक कुमार ने 72 रन बनाए। कप्तान बाबुल कुमार 14 गेंदों पर मात्र 16 रन ही बना सके। सिक्किम की ओर से आईएच चौधरी ने 20 ओवरों में और 5 गेंदों में 78 रन देकर 6 विकेट लिए। सिक्किम की ओर से ही गेंदबाज विपुल शर्मा ने बिहार के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही पिजुआ टोला में ट्रैक्टर से कुचलकर एक किशोर की मौत हो गई। वहीं सीतामढ़ी जिले के बेलसन थाना के सरैया गांव में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। रोहतास जिले के संजौली थाना क्षेत्र के संजौली गांव के पास पिकअप वैन की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। लखीसराय और सारण जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाने के चांदनी चौक के निकट अपराधियों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में आज तड़के सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के गोविंदचक गांव के पास से पुलिस ने ट्रक पर लदी 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को राज्य के 16 और आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के आदेश दिए। विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज लगातार दूसरे दिन भी कार्यवाही बाधित रही। राबड़ी देवी के विरोध के बाद विधान परिषद में हंगामा करे राजद के 5 सदस्यों का निलंबन समाप्त। भोजपुर जिले की सिविल अदालत ने बिहार में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 20 लोगों को दोषी करार दिया। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार ने सिक्किम के खिलाफ पहली पारी में 288 रन बनाए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार शाम 5 बजे तक 65.41% मतदान हुआ। राज्य में 5,04,00,000 से अधिक मतदाताओं की सुविधा के लिए 65,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में करीब 250 महिलाओं सहित 2,899 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मिजोरम में 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए भी आज मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 75% वोट डाले जाने की खबर है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया कि शाम 4 बजे तक अधिकतम 81% मतदान सरचिप जिले में और सबसे कम 65% आइजोल में रहा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के राहत शिविरों में ब्रू मतदाताओं ने 52% वोट डाले। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचन आयोग से मिला और तेलंगाना की मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के आरोपों के संबंध में कार्रवाई की मांग की।
निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद श्री नकवी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि धर्म के आधार पर असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल ने आज पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस गलियारे के शुरू हो जाने के बाद भारत ने डेरा बाबा नानक से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में बिना वीजा लिए करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज नरोवाल में करतारपुर गलियारे का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती बादल ने कहा कि सिख समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। श्री पुरी ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा पर आने को वे अपना सौभाग्य मानते हैं और सिख समुदाय की एक पुरानी मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार का आभार मानते हैं। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि करतारपुर गलियारे की पहल भारत पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया से जुड़ी नहीं है। आज हैदराबाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों के रुकने पर ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। उन्होंने भारत के इस रुख को दोहराया कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस के लिए रवाना हो गए हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति का निर्माण। प्रधानमंत्री पुटिंग पीपल्स फर्स्ट शीर्षक वाले शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में प्रमुख भाषण देंगे। रवानगी से पहले जारी अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत एक ऐसे बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देगा जो समकालीन सच्चाई को दर्शाता है और वैश्विक कल्याण के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रभावी तरीके से मजबूती प्रदान करता है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 2 लाख से अधिक किफायती आवास बनाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह अब योजना के अंतर्गत पहले से स्वीकृत आवासों सहित 65 लाख से अधिक मकान बनाए जाएंगे। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 40वीं बैठक में नई आवासीय इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी गई। भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान की निंदा करते हुए उसे अनावश्यक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करतारपुर गलियारे के विकास की सिख समुदाय की पुरानी मांग को पूरा किए जाने के पावन अवसर का उपयोग जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है वो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्री रवीश कुमार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच शुरू हो गया है। इससे पहले उद्घाटन मैच में बेल्जियम ने कनाडा को 2-1 से पराजित किया। 16 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 16 देश भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Valsa Williams. Polling was held today for Madhya Pradesh and Mizoram assemblies. In Madhya Pradesh, 65.41% voting was recorded till 5 p.m. in polls to the 230-member assembly. 2,899 candidates, including 250 women, are in the fray. In Mizoram, 73% voter turnout was recorded till 4 p.m. Voting took place for the 40-member assembly. 209 candidates of several parties contested. Chief Electoral Officer Ashish Kundra said there was no report of any untoward incident from any part of the state. Union Ministers Hardeep Puri and Harsimrat Kaur Badal attended the groundbreaking ceremony of Kartarpur Corridor in Pakistan this afternoon. The corridor will facilitate the visa-free travel of Indian Sikh pilgrims to Gurdwara Darbar Sahib in Kartarpur. Pakistan Prime Minister Imran Khan laid the foundation stone for the corridor along with Mr. Puri and Ms. Badal. Mr. Khan said all facilities will be provided to the pilgrims at Gurdwara Darbar Sahib. Speaking on the occasion, Ms. Badal said it is a historic day for the Sikh community and expressed hope that peace will prevail between the two countries. She said the Kartarpur corridor will spread the message of peace and harmony among people of the two sides.
In a statement, Mr. Puri expressed gratitude to the Pakistan government and said this was a long-standing demand of the Sikh community. Minister in Punjab government Navjot Singh Sidhu said India and Pakistan should realize that there is a need to move forward. Vice President M. Venkaya Naidu had laid the foundation stone of the Kartarpur corridor on the Indian side at village Maan in Gurdaspur district of Punjab on Monday. External Affairs Minister Sushma Swaraj has said the Kartarpur corridor initiative is not connected with the dialogue process with Pakistan. Addressing a press conference in Hyderabad today, Ms. Swaraj said talks can start the moment Islamabad stops terror activities in India. The minister reiterated India's stand that talks and terror cannot go together. She said, unless Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and New Delhi will not participate in the SAARC summit. Ms. Swaraj was reacting to Pakistan's statement that Prime Minister Narendra Modi would be invited to the SAARC summit. Prime Minister Narendra Modi leaves for Argentinian capital Buenos Aires this evening to take part in the 13th G20 summit. The theme of the summit is building consensus for a fair and sustainable development. Foreign Secretary Vijay Gokhale said the Prime Minister will make a lead intervention in the first session of the summit titled Putting People First. In a pre-departure statement, the Prime Minister said India will highlight the need for reformed multilateralism, which reflects the contemporary realities and can effectively strengthen collective action for global good. He said there is also a serious need to strengthen international cooperation and enhance coordinated action against fugitive economic offenders and financing of terrorism. On the sidelines of the summit, the Prime Minister will hold meetings with several world leaders, including the Chinese President, German Chancellor, Spanish Prime Minister and UN Secretary General. The Supreme Court today directed the CBI to take over the probe into allegations of physical and sexual abuse of inmates at 16 shelter homes in Bihar, in addition to the Muzaffarpur shelter home case, which is already with the CBI. A bench headed by Justice Madan B. Lokur transferred the investigation being conducted by Bihar police to the CBI while dismissing the state government's request not to transfer the probe. The closing ceremony of the 49th International Film Festival of India, IFFI, at Goa is underway. Union Tourism Minister K.J. Alphonse, Goa Governor Mridula Sinha and a host of celebrities are attending the event. Master scriptwriter Salim Khan was honoured with the IFFI Special Award for his lifetime contribution to cinema. More than 220 movies from 67 countries were screened during the 9-day event. In the Men's Hockey World Cup opener, the Belgium-Canada Group C match is now on at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar. Belgium is leading 2-0. In another Group C match later today, India take on South Africa. The match will begin at 7 p.m. And with that, we end this news bulletin.